नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं अन्नू कपूर और आप सब महानुभावों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं इस शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम। थैंक यू वेरी मच। आज की महफिल, आज का शो इज अ ट्रिब्यूट, खराज अकीदत, श्रद्धांजलि, स्मृति है एक महान समाज सेवी, महान अभिनेता, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर की याद में, और उनका नाम है सुनील दत्त। नमो छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। सुनील दत्त का जन्म 6 जून 1929 को वेस्ट पंजाब के झेलम में हुआ था, जो अब भारत का नहीं, पाकिस्तान का हिस्सा है। सुनील दत्त का असली नाम था बलराज दत्त। 5 साल की छोटी सी उम्र में ही उन्होंने अपने पिता को खो दिया। जब तक ये 18 साल के हुए, तब भारत के विभाजन की प्रक्रिया दंगों के साथ शुरू हो गई। ऐसे में इनके पिता के एक दोस्त याकूब ने अपनी जान पे खेलकर इनको और इनके पूरे परिवार को पूरी तरह से महफूज रखते हुए भारत पहुंचा दिया। भारत आकर बलराज दत्त यमुना नदी के किनारे यमुना नगर हरियाणा में बस गए, पर जल्द ही अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए बलराज दत्त लखनऊ शिफ्ट हो गए। बचपन से ही फिल्मों का शौक था, इसलिए 18-19 के होते होते लखनऊ भी छूट गया और बलराज दत्त पहुंच गए सपनों की नगरी बंबई। बलराज अभी तक ग्रेजुएट तो नहीं हुए थे, इसलिए उन्होंने बंबई आकर जय हिंद कॉलेज ज्वाइन कर लिया और अपना खर्चा उठाने के लिए बंबई की बस सेवा बेस्ट में नौकरी कर ली। जल्दी ही उन्होंने एशिया के सबसे पुराने और पॉपुलर रेडियो नेटवर्क रेडियो सिलोन में काम करना शुरू किया। ये काम जो उनके दिल के सबसे करीब था, उन दिनों एक शो आता था लिप्टन की महफिल, जिसमें उन्हें सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू करने होते थे। अपने मजेदार प्रेजेंटेशन की वजह से जल्दी ही बलराज दत्त रेडियो सिलोन के बहुत पॉपुलर नाम बन गए। आज जैसे मैं उनकी बात कर रहा हूं, वैसे ही सुनील दत्त साहब फिल्मी हस्तियों से बातें किया करते थे। सुनील दत्त की जिंदगी का सफरनामा जारी रहेगा। आइए सुनते हैं उन पे फिल्माया ये पॉपुलर और प्यारा सा गीत। अब मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह आरजे बलराज दत्त बन गए हीरो सुनील दत्त। जिन हीरोज के, हीरोइंस के इन्होंने रेडियो सिलोन पे इंटरव्यू लिए, उनमें नरगिस भी शामिल थी। इनके अच्छे व्यवहार और गुड लुक्स के चर्चे इनके रेडियो सिलोन में रहते हुए ही होने लगे थे। कुछ समय बाद ही 1955 में अपने जमाने के चर्चित डायरेक्टर रमेश सहगल ने इन्हें अपनी फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म में उस वक्त की बहुत ही मशहूर हीरोइन नलिनी जयवंत के साथ साइन कर लिया एज ए हीरो। और बलराज दत्त को नया नाम दे दिया सुनील दत्त, क्योंकि एक बलराज यानी बलराज साहनी पहले से ही फिल्मों में मौजूद थे। इस फिल्म से बलराज से सुनील बने सुनील दत्त को पहचान तो मिली, पर सफलता नहीं मिली। सुनील दत्त ने सफलता का स्वाद चखा बीआर चोपड़ा की फिल्म एक ही रास्ता से, जिसमें इनके साथ थी मीना कुमारी और अशोक कुमार की हिट जोड़ी। लेकिन सुनील दत्त को स्टार बनाया 1957 में आई महबूब खान की मैग्नम ओपस फिल्म मदर इंडिया ने, जी, जिसमें इन्होंने नरगिस और राजकुमार के छोटे मगर बिगड़ैल और गुस्सैल बिरजू की भूमिका को आत्मसात कर दिखाया। इस फिल्म में नरगिस के बाद यही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी और सुनील दत्त ने इस रोल को इस तरह जिया कि दर्शकों को सुनील दत्त कौन है पता हो या ना हो, पर बिरजू को पूरा हिंदुस्तान जानता था। आइए सुनते हैं नौशाद के म्यूजिक
और शकील के शब्दों से सजा ये गीत। बात कर रहे हैं स्वर्गीय सुनील दत्त की। मदर इंडिया के एक सीन की शूटिंग के दौरान, आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ये बहुत फेमस किस्सा है कि उस फिल्म की हीरोइन जो टाइटल रोल कर रही थी नरगिस, वो एक आग में फंस गई थी। और सब लोगों को लगा कि मामला इतना गंभीर नहीं है, लेकिन उस सीन में आप जानते हैं कि सुनील दत्त ने मदर इंडिया यानी नरगिस के बेटे का रोल किया है बिरजू का, पिछले लिंक में बता चुका हूं। सुनील दत्त को ऐसा लगा कि नरगिस जो हैं वो एक्चुअली जो है डेंजर में फंस चुकी हैं। कभी कभी ऐसा होता है फिल्म की शूटिंग के दौरान, कई बार हो जाता है, बहुत सारे एक्टर्स के साथ हुआ है, जो कैमरा देख रहे थे कि उस वक्त मॉनिटर तो नहीं आया था, तो जो कुछ था कैमरे के लेंस में सिर्फ एक सिनेमाटोग्राफर देख सकता था, डायरेक्टर्स तो नहीं देख सकते थे, डायरेक्टर्स को बेयर आइज से देखना पड़ता था। तो देखने वालों को ऐसा लगा कि मामला गंभीर नहीं है, लेकिन जो पास खड़े दत्त साहब थे उनको मंजर ऐसा लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए जान की परवाह किए बगैर नरगिस को बचाने के लिए दत्त साहब कूद पड़े घास फूस के ढेर के अंदर। मर्द आदमी था यार, पंजाबी बता, जट जनू के अंदर ने वो खींच के बाहर ले आए। ठीक है, इस सब के अंदर थोड़ा दत्त साहब थोड़े चल भी गए थे, थोड़ा घायल भी हो गए थे, खरोचे आ गई थी, और तो उस किसी वजह से डॉक्टर के यहाँ हॉस्पिटल के अंदर भर्ती कराना पड़ा। एक बात और बता दूं, दत्त साहब ने अपने इंटरव्यू में इस बात को स्वीकार किया। दत्त साहब तो नरगिस जी के फैन तो थे ही, जब रेडियो सिलोन पे काम करते तो दत्त साहब नरगिस जी के फैन थे, लेकिन जब हॉस्पिटल में भर्ती आया तो नरगिस जी उन्हें देखने आती थी और बहुत केयर की। नरगिस वॉज अ सुपर स्टार, आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो नरगिस कितनी बड़ी नरगिस थी। ये मेल मुलाकात के दौरान ही प्रेम पुष्प ने दोनों हृदयों के बीच में अंकुर खिला दिया, और मुझे सौभाग्य प्राप्त है दत्त साहब को इंटरव्यू करने का। मैं एक प्रोजेक्ट था इस दुनिया के सितारे, विच वॉज प्रोड्यूस बाय सायरा बानो एंड दिलीप कुमार, वो मैं एंकर करता था, वो बरसों पर 97 की बात है, 97-98 की। उसमें मुझे सुनील दत्त साहब को इंटरव्यू करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उन्होंने उसमें बताया ये सारी की सारी बातें कि किस तरह से एक्चुअल प्यार हुआ। बाकी तो सब चीज़ें फिल्मी हैं, इंटरनेट के ऊपर आप देखते हैं कि उन्होंने बचा लिया और फिर प्यार हो गया, नहीं ऐसे नहीं हुआ यार, ऐसे फिल्मी बातें नहीं है। नरगिस जी आती थी और यहीं पर धीरे 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 होता है वो, होने जो दोनों का जोड़ा लिखा था ऊपर से अपने अपने जोड़े लिखवा के लाते हैं, तो इस तरह से नरगिस जी बन गई श्रीमती नरगिस दत्त। और मदर इंडिया के रिलीज के बाद दोनों ने शादी कर ली। सुनील दत्त का शायद यही सेंसिटिव साइड देखकर बिमल रॉय ने उन्हें अपनी सेंसिटिव फिल्म सुजाता में साइन किया एज ए हीरो। सुजाता, जैसा कि नाम से पता चलता है, एक वुमेन ओरिएंटेड फिल्म थी, पर सुनील दत्त को भी इस फिल्म की सफलता का श्रेय हासिल हुआ। यही है वो फिल्म जिसमें सुनील दत्त पे पिक्चराइज तलत महमूद का गाया हुआ गीत, नरम नम गुदाज आवाज में गाया वो नगमा, एस डी बर्मन की धुन में पिरोया नगमा आप सुनने वाले हैं। शायद फिल्म इंडस्ट्री का दूसरा ये गाना होगा जो टेलीफोन पे पिक्चराइज्ड है। पहला गाना अगर हम याद करें तो कौन सा, मेरे पिया गए, वो एक कॉमेडी का थोड़ा सा लाइटर मूड का गाना है, लेकिन ये पहला सीरियस गाना है जो टेलीफोन पर पिक्चराइज है। मजरू साहब का गीत है, जलते हैं जिसके लिए। चर्चा कर रहे हैं हम सुनील दत्त की, मदर इंडिया, मुझे जीने दो, आम्रपाली, इस तरह के रोल में दत्त साहब की जो इमेज थी वो एंग्री यंग मैन की थी। अमिताभ बच्चन से पहले हमारी फिल्मों का एंग्री यंग मैन दरअसल सुनील दत्त था। मुझे जीने दो का जो ठाकुर है, जो डाकू है, अगर आप जरा गौर से देखेंगे, वो काला टीका और वो नशे से रंगी हुई आंखें, दबंग आंखें, वो इसके बाद न जाने कितने लोगों ने उन आंखों को, उन टीके को कॉपी किया है। तब तक ये उनकी इमेज थी। अब आए उनकी जिंदगी में बीआर चोपड़ा। चोपड़ा साहब ने इन्हें पहली बार कास्ट किया एक ही रास्ता में, जिसमें उन्होंने मीना कुमारी के पति की भूमिका निभाई थी। इसके बाद बीआर ने इन्हें साधना, गुमराह, वक्त, हमरास जैसी सेंसिटिव फिल्मों में कास्ट किया, जो इनकी एंग्री यंग मैन या डार्क साइड इमेज से बिल्कुल अलग थी, बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट का रोल किया उन्होंने। बीआर की इन्हीं फिल्मों ने दूसरे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स को दिखाया कि सुनील दत्त क्या कर सकते हैं। उन्होंने भी सुनील दत्त को रोमांटिक और पारिवारिक फिल्मों का हिस्सा बना दिया।
सुनील दत्त ने जहां मिलन और चिराग जैसी रोमांटिक फिल्में की, वहीं उन्होंने पारिवारिक फिल्मों में खानदान की, मेहरबान, दर्पण और हम हिंदुस्तानी, कॉमेडी फिल्में भी की, एक फूल चार काटे और पड़ोसन का भोला कौन भूल सकता है। बोले नीचे से रे, नीचे से बोला, नीचे से, नीचे से बोला, नीचे से। और इस तरह के रोल करते हुए सबने मान लिया कि दत्त साहब एक वर्सटाइल एक्टर है। शानदार अभिनय के लिए सुनील दत्त को फिल्म मुझे जीने दो और खानदान के लिए बेस्ट एक्टर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1980 में जहां उन्हें मुंबई का शेरिफ बनाया गया, वहीं भारत सरकार ने बहुत पहले 1968 में ही उन्हें पद्मश्री सम्मान से सुशोभित किया। दत्त साहब एक फिल्म प्रोड्यूस कर रहे थे, रेशमा और शेरा। इस फिल्म की शूटिंग राजस्थान के रेगिस्तान में हो रही थी। जैसलमेर जैसे मरुस्थलों में इतनी गर्मी थी कि क्या कहना। हुआ ये कि फिल्म की जब काफ़ी शूटिंग हो गई और फिल्म की फुटेज को देखा गया तो बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से नेगेटिव जल गए थे और जो शूटिंग की गई थी वो सब बर्बाद हो गई थी। इसके बावजूद हीरो सुनील दत्त ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने फिल्म को दोबारा शूट करने का फैसला कर डाला, पर फिल्म के डायरेक्टर ने दोबारा शूट करने से इनकार कर दिया। ऐसे में ताव में आ गए दत्त साहब और उन्होंने खुद डायरेक्शन करने का फैसला किया और रेशमा और शेरा को कंप्लीट किया। रेशमा और शेरा को क्रिटिक्स ने और कई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अप्रिशिएट तो किया गया, पर बॉक्स ऑफिस पे ये फिल्म डिजास्टर रही। बावजूद इसके फिल्म के लिए वहीदा रहमान को रेशमा के रोल के लिए उस साल के बेस्ट एक्ट्रेस के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस फिल्म का संगीत दिया था जयदेव जी ने। लता जी के गाए गीतों का आज भी कोई मुकाबला नहीं है, जयदेव के संगीत का कोई मुकाबला नहीं है। तू चंदा में चांदनी, मीठी मीठी सी अगन, जालिम मेरी शराब में ये क्या मिला दिया, क्या क्या गीत हैं। इस फिल्म के लिए जयदेव जी को भी उनका बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का पहला नेशनल अवार्ड हासिल हुआ। इसके बाद सुनील दत्त ने एक बहुत बड़ी एक्सपेरिमेंटल फिल्म डायरेक्ट की जिसका नाम था यादें। इस फिल्म में उन्होंने अकेले एक्ट किया था। इस फिल्म को भी राष्ट्रीय अवार्ड से नवाजा गया। अपने बेटे संजय को लॉन्च करने के लिए उन्होंने रॉकी का डायरेक्शन किया और अपनी धर्मपत्नी नरगिस दत्त की मौत के बाद कैंसर के सब्जेक्ट पर दर्द का रिश्ता बनाई, जिसकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा कैंसर पेशेंट्स के इलाज में लगाया गया। तो ये है कहानी सुनील दत्त के एक्टर से डायरेक्टर बनने की। सुनील दत्त उन चंद ईमानदार सच्चे लोगों में से थे जो बगैर ढोल पीटे, बगैर तमाशा क्रिएट किए, बगैर किसी को जताए थोपे बिना समाज सेवा और देश सेवा में जुटे रहे। भारत चीन की 1962 की वॉर, जिसमें हुई भारत की हार, इस युद्ध के बाद सुनील दत्त ने अपने फिल्मों से होने वाली कमाई का एक बड़ा हिस्सा शहीदों और जवानों के घरों में देना शुरू कर दिया था। सुनील दत्त भारत की अलग अलग सीमाओं पर जाते और सैनिकों से मिलकर उनका हौसला बढ़ाते, उनके लिए कई मनोरंजक शोज भी करवाते थे। उनके इन्हीं कार्यों से खुश होकर भारत सरकार ने उन्हें 1968 में ही पद्मश्री से अलंकृत किया। 1984 में तो सुनील दत्त जी बाकायदा चुनावी राजनीति में उतर आए और उन्होंने नॉर्थ मुंबई से तब चुनाव लड़ा। जब जब चुनाव लड़ा तब तब वो जीते। 1987 में तो इन्होंने अपनी हिम्मत का परिचय दिया। आतंकवाद अपने पीक पे था जब सुनील दत्त ने फैसला किया कि बंबई से अमृतसर तक वो पद यात्रा करेंगे। उनके इस ऐलान के बाद उन्हें धमकियां मिलने लगी पंजाब के आतंकवादियों से, पर वो डरे नहीं। उन्होंने बंबई से अमृतसर तक सद्भावना और शांति के लिए
पदयात्रा की और साबित कर दिया कि वो अपने इरादे के कितने पक्के हैं और सोशल कॉजेस के लिए, अपने देश के लिए कितने डेडिकेटेड हैं। फिल्मों में रहते हुए भी सुनील दत्त ने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को कभी नजरअंदाज नहीं किया। सुनील दत्त अपने आदर्शों और उसूल के पक्के थे। जब संजय दत्त टाडा के केस में जेल में थे तो सुनील दत्त ने आने वाला इलेक्शन नहीं लड़ा, क्योंकि ऐसा करना उनके उसूलों के खिलाफ था। संजय के जेल से आजाद होने के बाद उन्होंने फिर चुनाव लड़ा और फिर जीते। इस बार तो उन्हें केंद्रीय मंत्री भी बनाया गया। इस तरह फिल्मों और राजनीति दोनों में ही नाम कमाने के साथ साथ इज्जत कमाई और नई मिसाल कायम की। मैं दत्त साहब के बारे में इतना कह सकता हूं, मैंने सौभाग्य प्राप्त किया है उनके साथ इंटरेक्ट करने का, थोड़ा सा ही था लेकिन किया है। बहुत ही कमिटेड और डेडिकेटेड आदमी था। हमारी इस फिल्म इंडस्ट्री को सुनील दत्त जैसे लोगों की जरूरत है, अनप्रटेंशियस, ईमानदार, सच्चे। 25 मई 2005 को दत्त साहब चले गए। सेंटाक्रूज में उनका शरीर पवित्र अग्नि को समर्पित कर दिया गया। बड़े बड़े राजनेता आए थे, पूरी फिल्म इंडस्ट्री वहां पे थी। 25 मई 2005 आज का हमारा ये शो पूरी तरह से समर्पित रहा सुनील दत्त की स्मृति में। ईश्वर सुनील दत्त की आत्मा को शांति दे, यही प्रार्थना है। और दत्त साहब के ऊपर पिक्चराइज गीत हम सुनाते रहें, आप सुनते रहें, हम सब गुनगुनाते रहें और याद करते रहें भारत माता के उस सच्चे सपूत को, इस शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।